आज का ग्रामीण भारत प्रगति और समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है। इसे मुमकिन बनाया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी मिशन में देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी और निराशा की जगह एक सुनहरे और आत्मनिर्भर भविष्य की राह दिखाई है। इस आजीविका मिशन की सबसे बड़ी ताकत है ये महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG। ऐसे लगभग 75 लाख समूह आज 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों की तस्वीर बदल रहे हैं। आज कृषि, लघु उद्यम, पशुपालन, हस्तकला जैसे क्षेत्रों में महिलाएं न केवल नेतृत्व कर रही हैं, बल्कि लखपति महिला बनकर आर्थिक समृद्धि के महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ी हैं। देश के विभिन्न राज्यों में इन लखपति महिलाओं ने आर्थिक सहायता देने वाली विभिन्न आजीविका योजनाओं को एक मजबूत बिजनेस मॉडल में बदला है। जैसे कि बिहार की मधुबनी की शिल्प ग्राम उत्पादक कंपनी अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ 100 से ज्यादा महिला चित्रकार पारंपरिक मधुबनी चित्रकारी को दुनिया भर में फैला रही हैं। छोटे उद्योग से शुरू हुआ शिल्प ग्राम आज 5 करोड़ से भी ज्यादा की उत्पादक कंपनी बन चुका है। यहाँ विश्व भर से ऑर्डर आते हैं और बिचौलिया रहित बिक्री प्रणाली से ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। ऐसे ही देश के दक्षिणी छोर केरल के गांव कुम्बलंगी का स्वयं सहायता समूह लीज एक्टिविटी ग्रुप सरकारी से लेकर निजी कंपनियों को मास्क, गाउन, कपड़े के बैग और यूनिफॉर्म सप्लाई करता है। 6 साल पहले शुरू हुए इस उद्यम ने कोरोना महामारी में 1 लाख से भी ज्यादा मास्क बनाए। പ്രതിബദ്ധത അനുസരിച്ച് സമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റി। उत्तर पूर्वीय राज्य असम के उज्जल मोहल्ला सेल्फ हेल्प ग्रुप में हस्तकला और पारंपरिक सिलाई का सामान तैयार होता है। इसी तरह डालूघाट के मॉडर्न हाइसिंथ क्राफ्ट क्लस्टर में बेकार कही जाने वाली जलकुंभी से ये उत्पाद सरकारी नीतियों की मदद से अब ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। আমাৰ প্ৰডাক্ট জেমত দিয়া হৈছে, তো অলপ দিনৰ আগত ফ্লিপকাৰ্টতো দিয়া হৈছে। ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ আমাৰ আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কইন পাৰ্চ, তো আমি সেইটো কাইলৈ মানে ডেলিভাৰী দিব লাগিব। आजीविका मिशन के उत्पादक उद्यमों में 3.86 लाख सदस्य हैं। इससे लगभग 700 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो रहा है। इसी तरह बिहार के बक्सर की दीदी की रसोई से घर का साफ और स्वच्छ खाना जरूरत अनुसार विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों और कोविड आइसोलेशन सेंटरों के मरीजों तक भोजन पहुंचाने में इस रसोई ने अहम भूमिका अदा की। जीविका में आने के बाद विश्वास हुआ कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, मतलब आत्मनिर्भर हो गए। आधुनिक ग्रामीण उद्यम का एक अनूठा उदाहरण केरल का करेबियन कासा रिसोर्ट। 3 महिलाओं द्वारा शुरू किया गया रिसोर्ट आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। घरेलू परिवेश से निकलकर आज ये महिलाएं सुंदर आइलैंड नुमा रिसोर्ट चलाती हैं। महिला सहायता समूह की मदद हेतु बैंकों द्वारा प्रति सदस्य 1 लाख से अधिक सहायता राशि दी जाती है। देश के 40% विकास खंडों में 1.50 करोड़ से अधिक महिला किसानों को प्रशिक्षण और सहायता दी जा रही है। इनमें वो महिला किसान भी शामिल हैं जो प्रशिक्षण लेकर आधुनिक तकनीक से खेती कर रही हैं, जैसे कि झारखंड में कुछ आदिवासी महिलाएं एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाकर स्वावलंबी बनी हैं और मुनाफा कमा रही हैं। एकीकृत खेती सीख चुकी कुछ महिलाएं अब अपने जैसी कुछ और महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। कि आदिवासी महिलाओं में है कि पहले घर से निकलती नहीं थी, उन लोग को कुछ पता नहीं होता था, लेकिन अब बैंक से जुड़ गई हैं, नया है से अपना कमाई का एक जरिया बना रही हैं। वही स्ट्रॉबेरी की खेती भी इस इलाके की पहचान बनी है। महिला किसान स्ट्रॉबेरी को स्थानीय बाजारों के अलावा बड़े शहरों में भी बेच रही हैं। इस बार थोड़ा अच्छा मुनाफा हुआ है और इसको चाहते हैं हम लोग कि अगले साल और ज्यादा विस्तार करें। आजीविका मिशन के बेमिसाल मार्केटिंग प्रयासों जैसे कि सरस गैलरी, आजीविका मेला से SHG का काम बड़े शहरों तक पहुँच रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में साल 2025 से 2026 तक 92,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इसमें 2.5 करोड़ अतिरिक्त महिलाओं को आजीविका से जोड़ने और करीब 700 उत्पादक कंपनियां स्थापित करने जैसे लक्ष्य शामिल हैं। स्वतंत्रता के इस अमृतकाल में आत्मविश्वास और जज्बे के साथ प्रगति रथ पर सवार लखपति महिलाएं ग्रामीण भारत के विकास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को नए आयाम दे रही हैं। स्वयं सहायता समूह और दीनदयाल अंत्योदय योजना आज ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला रही है। हर प्रकार से आपके सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सलाम करते हैं उस नारी शक्ति को जो बदलाव की मशाल थामे निकली है नए भारत के स्वर्णिम भविष्य का परचम लहराने।